नमस्कार। मैंने बहुत सारे मित्रों को कहते हुए सुना है कि सुबह की साधना के उपरांत हमारा मंत्र पूरा दिन चलता रहता है, ड्राइविंग करते हुए, टहलते हुए, ऑफिस में खाली बैठे हैं तब भी। क्या ऐसा करना उचित है? आज की वीडियो में मैं आपको मंत्र जाप के 11 महत्वपूर्ण नियम बताऊंगा। क्योंकि जहाँ तक हरि स्मरण का सवाल है, जहाँ तक परमात्मा के स्मरण का सवाल है, आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन मंत्र विज्ञान को हमारे ऋषियों ने विज्ञान की तरह देखा है और उसी तरह से इस प्रक्रिया को नियमबद्ध किया है। तो मंत्र जाप क्या चलते फिरते करना, ड्राइविंग करते हुए करना उचित है या कुछ नियमों में बंधकर ही मंत्र करना चाहिए, इस पर प्रमाण सहित बृहत चर्चा होगी और ठोस प्रमाण शास्त्र के आपको मैं दूंगा। लेकिन इससे पहले मैं विषय को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए, बहुत अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए विषय में आगे बढ़ते हैं। साथियों, मंत्र को जितना भी समय आप निकाल पाएँ, वैदिक मंत्र है, शास्त्रोक्त मंत्र है, साबर मंत्र है, या परंपरागत गुरु से आपको कोई मंत्र मिला है, जितना समय आप 24 घंटे में, 2 घंटा, 1 घंटा जो भी साधना के लिए निकाल पाएं, मंत्र जाप तो उसी समय सीमा के अंदर करना चाहिए और वह भी पूरे नियम के साथ। 11 नियम आपको आज बताऊंगा। और हरि स्मरण का, अपने इष्ट देव के स्मरण का, उनके नाम लेने का जहाँ तक सवाल है, उसके लिए आप 24 घंटे फ्री हैं। नियम नंबर 1, मंत्र जाप आसन पर बैठकर ही करना चाहिए। मंत्र जाप करते समय आपका मुख पूर्व, उत्तर या पश्चिम में होना चाहिए। नियम नंबर 2, खुले सिर मंत्र नहीं करना चाहिए। या तो आपके सिर पर कोई कपड़ा होना चाहिए या आपकी चोटी में गांठ लगी होनी चाहिए। खुले सिर मंत्र करने का निषेध है। मंत्र जाप करते समय आपका हाथ और आपका शरीर पूरी तरह शुद्ध अवस्था में होना चाहिए। अपवित्र वस्त्रों को धारण करके मंत्र जाप बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जहाँ पर लोगों की अधिकता है, भारी भीड़ भाड़ है, बहुत सारे वहाँ पर लोग हैं, ऐसी जगह पर भी मंत्र जाप करने से पूरी तरह बचना चाहिए। मंत्र जाप करते समय आपस में बातें नहीं करनी चाहिए, थूकना नहीं चाहिए, खंकारना नहीं चाहिए। रास्ते में मंत्र जाप नहीं करना चाहिए, चाहे आप ड्राइविंग कर रहे हैं, चाहे आप टहल रहे हैं। पैर पसार कर, उल्टी सीधी पालथी लगाकर भी मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। निद्रा अवस्था में कुछ नींद आ रही है, थोड़ी थोड़ी, थोड़े थोड़े जागे हुए हैं, ऐसी परिस्थिति में भी मंत्र जाप करना निषिद्ध है। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा, जिसकी नज़र लगती हो, बहुत ज़्यादा अंदर से तामसिकता से भरा हुआ है, कोई व्यक्ति आपको देखकर चिढ़ता है, आपको देखकर के टेंशन में आ जाता है, जिसकी भावनाएं आपके प्रति शुभ से भरी हुई नहीं है, अशुभ से भरी हुई हैं, ऐसे व्यक्ति के सामने भी मंत्र जाप करने से पूरी तरह बचना चाहिए। मंत्र जाप एक गुरु परंपरा से, शास्त्र की परंपरा से नियमबद्ध होकर एक आसन पर बैठकर एकांत स्थान में संपूर्ण विधि के साथ ही करना चाहिए, यही उचित है। जो कुछ लोग कहते हैं कि हम चलते हुए, ड्राइविंग करते हुए, टहलते हुए मंत्र करते हैं, तो हरि स्मरण में कोई बाधा नहीं है, लेकिन इस प्रकार मंत्र जाप करना शास्त्र के अनुसार पूरी तरह निषिद्ध है। इसी प्रकार की ज्योतिष संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को